ये राज्य अलग हुआ 23 साल बाद हो गया, लेकिन सब लोग आदिवासी के पक्ष और विपक्ष आदिवासी की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि 23 साल के अंदर में आदिवासी को क्या मिला? क्या इसका अधिकार बचा? किसका जमीन बचा? क्या जब एक्ट आने के बाद भी जमीन नहीं बचा? आदिवासियों का जमीन यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, आदिवासियों के जमीन पर यहाँ बहुत सारे मकान बन रहे हैं। वो देखिए, आप दूसरा क्या मिला? जो था वो भी तो खत्म हो रहा है। कई साल में किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी भी की सरकार हो 23 साल के अंदर में, लेकिन यहाँ के आदिवासी क्या मिला? वो भी तो खत्म है। एक आदिवासी सबसे आदिवासी के जमीन पर यहाँ माहौल बन रहा है, देख रहे हैं लोबिन दादा? तो सिर्फ बाहर ये बात आप रखते हैं, सदन के अंदर नहीं रखते हैं। कौन नहीं रख रहा है? आप लोग नहीं सुनते समर्थन? एक दिन पहले बोला था समर्थन में आपका। आदिवासी स्मार्ट सिटी बन रहा है, मॉल बन रहा है, अवैध तरीके से जमीन पर दूसरे दूसरे जो लोग आकर के यहाँ बसे हैं, उन लोगों का घर बन रहा है। थोड़ा थोड़ा यहाँ क्या मिला? वही ना आपको जानना चाहते हैं, वही ना आपको बता रहे हैं आप लोग कि 23 साल के अंदर में जो यहाँ का इन लोगों का था वो भी खत्म हुआ है। और वही तक होगा ये राज्य अलग होने के बाद आदिवासियों को बेहद दुर्भाग्य हो गई। ठीक, मंत्री बन रहे आप? मंत्री पद को लेकर दादा जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दादा भी मंत्री पद में शामिल होंगे, हम लोग की तो चाहे नहीं क्या है, हमको कोई ख्याल नहीं है। दादा मुस्कुराने के पीछे कोई राज है? हाट ये चुप तो कारण है दादा, हमारे मोबाइल को सुनते न सर झुका के पर्यावरण वो तो देखिएगा, विभाग की भाग विभाग हो के भाग होगा, भाग जाएगा, भाग पूछ रहे।